अस्सलाम वालेकुम। KWS न्यूज के साथ मैं हूँ मोमिना साजिद। आइए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। खबर शामिल करते हैं कमर शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक सरगोधा के इलाके कोट कम्बोह में 2 माह कबल खालिद सैफुल्ला नामी नौजवान को मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया, जिसके बाद मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया तो असल हकायक सामने आ गए। तफसीलात के मुताबिक 13 एकड़ जमीन की खातिर चचा ने इकलौते यतीम भतीजे को उजरती कातिलों से कत्ल कराया और बाद में मुकदमे का खुद ही मुदई बनकर कातिलों को तलाश करता रहा। मकतूल के चचा करमदाद ने भतीजे के कत्ल का मुकदमा अपने मुखालिफिन के खिलाफ दर्ज करवा कर इन्हें गिरफ्तार करवाया। तहकीकात के दौरान इंकशाफ हुआ कि खालिद सैफुल्ला का कातिल तो इसका अपना चचा है और 6 लाख रुपए की वज़ महज 13 एकड़ अराजी पर कब्जा करने के लिए उजरते कातिलों के जरिए इसने अपने भतीजे को कत्ल करवाया। DSP शाहपुर सर्कल राना मोहम्मद इकबाल के मुताबिक मशकूक सूरत हाल के बायस मकतूल के चचा को गिरफ्तार करके तफ्तीश की गई तो तमाम हकायक सामने आए। पुलिस के मुताबिक चचा और 3 उजरती कातिलों को गिरफ्तार कर लिया गया है और मुकदमे का चालान जल्द अदालत को भेज दिया जाएगा। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारा चैनल या फिर विजिट कीजिए www.kwsnews.com। इसके अलावा आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी ज्वाइन कर सकते हैं।